गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 8 किए क्या कंप्लीट अपने? क्वेश्चन नंबर 8 में अपन ने सिर्फ टोटलिंग पेंडिंग रखा था, तो सबसे पहले डेटर्स अकाउंट में आ जाओ। डेटर्स अकाउंट के अंदर डेटर्स अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 32,000, उसके बाद सेल्स 2,88,000, बाय कैश और बाय बैंक दिया हुआ है। तो मुझे बताओ अभी बैलेंसिंग फिगर क्या लिखेंगे? हाँ नहीं, मतलब अमाउंट नहीं पूछ रहा मैं, मतलब क्या लिखेंगे उसको अपन? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 40,000। ठीक है, तो ये जो 40,000 बैलेंस निकाला हमने, ये कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड। बैलेंस शीट असेट साइड डेटर्स 40,000। बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स लिखना है 40,000। फिर नेक्स्ट आ जाओ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर दो चीजें मिसिंग है, एक तो क्लोजिंग बैलेंस और परचेस, ठीक है ना? तो इसको अभी क्लोज नहीं कर सकते। तो बच्चों पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में क्योंकि उसने एक लाइन दिया था कि ही ऑलवेज सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, ऑलवेज। इसका मतलब यहां पे हम ग्रॉस प्रॉफिट पहले लिख सकते क्या? देखो मैं तुमको बोला था सिंगल एंट्री में अकाउंट्स कैसे क्लोज करना है, इसका कोई रूल नहीं है। अपने इंफॉर्मेशन का यूज करके अपने को अकाउंट्स क्लोज करते जाना है। अब मैं क्रेडिटर अकाउंट यहां पे क्लोज ही नहीं कर सकता बिकॉज वहां पे दो चीजें मिसिंग है। दो मिसिंग चीजें हैं तो फिर एक साथ कैसे अकाउंट क्लोज करके बैलेंस फिर कैसे निकालेंगे? तो अभी मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में आना पड़ा। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में भी दो चीजें मिसिंग है एक्चुअल देखे तो, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक परचेस। डायरेक्ट इसमें तो क्वेश्चन में है नहीं, तो परचेस और ग्रॉस प्रॉफिट दो चीजें मिसिंग है। अगर दोनों आ गए तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट टैली हो जाता। तो अब एक चीज यहाँ पे अपने को इनडायरेक्टली दिए वाला है ग्रॉस प्रॉफिट। देखो लास्ट ईयर का 60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट का यूज करके अपने लास्ट ईयर का सेल निकाले। तो उन्होंने क्या दिया है वर्डिंग में कि ही ऑलवेज सेल्स इज गुड एट कॉस्ट प्लस 25%। तो कॉस्ट प्लस 25% मतलब सेल पे कितना? 20। तो 3,60,000 का 20% कितना होगा? मैं ग्रॉस प्रॉफिट पहले लिख सकता हूं यहां पे, तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो 72,000। अब क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल करके परचेजेस बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन में एक और लाइन थी छोटी सी कि देयर वर नो कैश परचेजेस, याद है क्या? तो परचेजेस जो आएंगे वो क्रेडिट परचेज ही रहेंगे पूरे के पूरे, तो उसको क्रेडिट अकाउंट में लिख सकते हैं हम। तो यहां पे नॉर्मली जैसे अभी तक के अपन तीन क्वेश्चंस कर लिए जिसमें हमने पहले वर्किंग नोट्स क्लोज करते थे, फिर बाद में कैश बुक क्लोज करते थे, फिर बाद में ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर बाद में ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बट ये क्वेश्चन में ऐसे नहीं जमेगा क्योंकि नोट पूरे क्लोज ही नहीं कर सकते बिकॉज परचेजेस अपन को कहां से फाइंड करना है? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट से पहले मैं परचेजेस फाइंड करूंगा, उसको लेके जाऊंगा क्रेडिटर अकाउंट में। क्रेडिटर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर मुझे बनेगा क्लोजिंग क्रेडिटर जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी पे आ जाएंगे, उसके बाद कैश बुक वगैरह फिर एक एक से क्लोज करेंगे। ठीक है, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल कितना है? 4,20,000। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट देखो पहले ही निकाल दिया अपन। जनरली ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ये हमारा बैलेंसिंग में रहता, बट इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट इनडायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, और अगर डी वन है तो फिर एक चीज मिसिंग है वो है परचेस। तो ये परचेस जो है ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर है 3,08,000। इसको स्टार कर लो बिकॉज 3,08,000 ये हमको कहीं से मिला नहीं है, ये निकालने वाला है। कहां से निकाले हमने? ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके 3,08,000 ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके निकाले हमने। समझ में आया क्या? अब ये 3,08,000 जो है इसको हम कहां लिखेंगे? क्रेडिटर अकाउंट में। क्रेडिटर में लिखेंगे ना बिकॉज क्वेश्चन में एक लाइन था देयर वर नो कैश परचेजेस, दैट मींस ऑल परचेजेस आर ऑन क्रेडिट। तो यहां पे क्रेडिटर अकाउंट में तुम क्या करोगे? बाय परचेस। बाय परचेस 3,08,000, और एक बार परचेस 3,08,000 लिख दिया तो अब क्रेडिटर अकाउंट में एक ही बाकी है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस।
बाकी कुछ है ही नहीं ना क्वेश्चन में। तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का क्या रहेगा, देखो 370,000 टोटल है क्रेडिटर का, क्रेडिट साइड है क्या 370,000। हाँ अभी टू बैलेंस कैरिड डाउन इज अ बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया 95,000। किसने किया गया पूरा, पूरा हुआ, चलो चार पांच लोग तो है क्लास में पास होने वाले। हाँ 95,000 आ गया। अभी ये 95,000 कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड है क्रेडिटर्स 95,000, क्रेडिटर्स 95,000। देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके मैं डायरेक्टली पी एंड एल अकाउंट क्लोज नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि ट्रेडिंग अकाउंट से जो मिला मुझे वो मुझे क्रेडिट अकाउंट क्लोज करने के लिए चाहिए। अभी मेरे डेटर और क्रेडिटर क्लोज हो गए, अब जो बचा हुआ है मेरे पास कैशबुक, तो एक बार चेक करते कैशबुक में कुछ निकलता है क्या या फिर वो टैली हो जाता है क्या। तो कैशबुक के अंदर अभी क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दिए वाले अपने को, देखो ना कहां दिया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कहां दिए वाला है, ना कैश का दिया ना बैंक का दिया बैलेंस कैरिड डाउन। तो पहले क्या करो, क्लोज करो कैश कॉलम, कैलकुलेटर में निकालो कितना आ रहा बैलेंस। देखो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, वो तो क्वेश्चन में दिए वाला है कॉन्ट्रा एंट्रीज, तो मतलब तुम्हारा कैश अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस जो है कितना आ रहा है, देखो 170 टोटल है क्या। हाँ तो तुम्हारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8 था ना। हाँ यहां पे अच्छा द कैशियर हैड एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश, ओके, और लास्ट में एक लाइन दिया था कि द अमाउंट डिफॉल्टेटेड बाय कैशियर मे बी ट्रीटेड एज रिकवरेबल फ्रॉम हिम, दैट मींस कैरिड डाउन विल बी जीरो, कैरिड डाउन तो कुछ रहेगा नहीं कैश कॉलम में। हाँ तो एक काम करो, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएंगे वो कैश डिफॉल्टेड बाय कैशियर, मतलब कैश रिकवरेबल फ्रॉम कैशियर, तो यहाँ पे कैश रिकवरेबल लिख दो, कैश डिफॉल्टेड बाय कैशियर कितना अमाउंट आ गया 9,000, मतलब कैशियर जो है 9,000 रुपए कैश जो है लेके भाग गया था, ठीक है। अब ये 9,000 रुपए जो है रिकवरेबल है, तो रिकवरेबल तो इसका सेकंड पे क्या देंगे, दो ही जगह जा सकता है ये, या तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड या तो असेट साइड। पी एंड एल अकाउंट डेबिट कब जाएगा, जब नॉट रिकवरेबल, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन वही लिखेंगे नॉट रिकवरेबल, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा है कि इट इज रिकवरेबल, वो कैशियर को अपन पकड़ सकते हैं और उससे रिकवर कर सकते हैं 9,000, तो फिर असेट पे ले लो उसको। तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे तुमको लिखना है कैश रिकवरेबल फ्रॉम कैशियर या अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम कैशियर 9,000, कैश रिकवरेबल फ्रॉम कैशियर या अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम कैशियर 9,000, ठीक है। कैश रिकवरेबल इतना भी लिखे तो भी चलता, कैश रिकवरेबल 9,000, ठीक है। इट इज एज गुड एज कैश इन हैंड, बट क्योंकि किसी ने लेके भाग गया तो उसके से अपने को रिकवरेबल है, इसके लिए लिखना है रिकवरेबल बोल के, वो कैश इन हैंड ही है लेकिन किसी और के पास पैसा है अपना तो रिकवरेबल है वो, ठीक है। उसके बाद बैंक कॉलम, बैंक कॉलम का क्या हुआ, बैलेंस कैरी डाउन निकलता क्या उसका। हाँ तो डेबिट का टोटल कितना हुआ बैंक का 3,72,000, 3,72,000 डेबिट साइड का है, सेम टोटल ऑपोजिट साइड पे लिखो और फिर बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन कितना 46,000, चेक कर लो कैलकुलेटर में 46,000 बैलेंस आना चाहिए, और ये 46,000 को हम लिखेंगे बैलेंस शीट में असेट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखा है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 46,000, बैलेंस शीट असेट साइड पे कैश एट बैंक 46,000, यहां तक हो गया। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट तो ऑलरेडी हमने क्लोज कर दिया, उससे परचेज निकाले थे हमने, अब आ जाओ पी एंड एल अकाउंट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट नीचे ले लो पहले, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 72,000, और फिर उसमें से ये जो बिजनेस एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन है ये लेस करना है, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो 72,000 माइनस 40,000 माइनस 7,350, तो टू नेट प्रॉफिट कितना 24,650 नेट प्रॉफिट को तुमने क्या किया, बैलेंस शीट में
कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया, एड नेट प्रॉफिट 24650, और फिर 96,000 माइनस 15,000 माइनस सॉरी प्लस 24650, 105650, और फिर बैलेंस शीट की टोटल, ठीक है, चेक करना है बैलेंस शीट में, कैलकुलेटर है अलाउड तो फास्ट होना चाहिए कैलकुलेटर, मतलब एक बार भी टाइम है तो दूसरी बार भी करने की स्पीड होनी चाहिए तुम्हारी, फटाफट टोटल करने की आदत डालो, तो दोनों साइड टोटल करना है 240650 टोटल आना चाहिए, नहीं आया तो इमीडिएटली ढूंढो कि कितने अमाउंट का डिफरेंस है, कौन सा आइटम तुमने डबल इफेक्ट नहीं दिया, पॉसिबल है तो एक आधे आइटम को तुमने डबल इफेक्ट नहीं दिया या एसेट पे नहीं लिखा, लाइबिलिटी पे नहीं लिखा, तो मैं भी टैली नहीं होऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 था ये, जिसका आपने आंसर अभी किया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर अभी तुमको क्योंकि क्लास के टाइमिंग कम है तो तुमने करना क्या, क्वेश्चन के वहां पे इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है लिख के रख लेना, जैसा इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है कि क्लोज करते हैं तो पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर रहे हैं और फिर वर्किंग नोट क्लोज कर रहे हैं, डेटा क्लोज हो गया लेकिन क्रेडिट अकाउंट कैसे क्लोज किया हमने, पहले ट्रेडिंग अकाउंट से परचेस फाइंड किए, ठीक है, मतलब एक्सेप्शनल है, जनरली ऐसा नहीं होता, उसके लिए फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज टू फाइंड द परचेज एंड दैट परचेज इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए, बस इसके अलावा बाकी कुछ नया नहीं है इसके अंदर, बाकी मुझे बोलो 80-90% सेम था क्वेश्चन, अभी तक अपने जैसे क्वेश्चन किया वैसे ही है, सेम नहीं, एकदम सिमिलर है, ठीक है। तो खाली इतना ही नया पॉइंट था कि यहाँ पे ट्रेडिंग को सबसे पहले क्लोज किया अपन ने, अगर तुम एंड तक जाके यहाँ पे अटक जाते तो क्रेडिट अकाउंट कैसे क्लोज करना, पता तो चल गया परचेज भी नहीं है उसके अंदर, वो क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं है, तो कोई स्टूडेंट वहीं अटक जाता फिर सोचते बैठेगा कि गलत कुछ तो भी गलत हो रहा बोल के, तो गलत कुछ नहीं है, ये हिंट तुमको यहाँ पे देना चाहिए, मतलब क्लिक होना चाहिए कि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट उसने अपने को दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया इनडायरेक्टली, और वो लास्ट ईयर के लिए नहीं था स्पेसिफिकली, ही ऑलवेज सेल्स हिज गुड्स, ऐसा बोलता था ही सोल्ड इन प्रीवियस ईयर एट कॉस्ट प्लस 25%, तो अलग बात हो गया, फिर करंट ईयर में मैं भी ज्यादा कम में बेच सकता, ये ऑलवेज बोल रहा है, इसका मतलब इसका रूल है कि बिजनेस में जो भी गुड्स आएंगे उसके ऊपर 25% ऐड करके बेच देता, सेल करता, तो इसके लिए हमको ये 360 का ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया 72,000, जब वो लिखने के बाद परचेजेस अपना बैलेंसिंग फिगर आया, ठीक है, तो परचेजेस ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर है, स्टार मार दो उसको, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, तो मतलब यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्या क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और वो भी कौन से डेट का, 31st December 2020, ठीक है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज, अब ये इंफॉर्मेशन है, तो हमको दो कॉलम यहां पे दिए वाले हैं, एक January 2020 और 31st December 2020, और असेट्स और लाइबिलिटीज दिए हुए हैं सन्ड्री असेट्स, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, अगर डेटर्स में एक चीज है तुमको फाइंड करने के लिए बोल रहा हूं ओपनिंग डेटर, क्वेश्चन मार्क का मतलब वहां पे फाइंड करना है तुमको, ठीक है, दिया नहीं है उसने, इसका मतलब तुम्हारा जो डेटर अकाउंट तुम बनाएंगे ना उसमें बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग डेटर आने वाला है, सब दे देगा, सब दे दिया उसने, देखो क्लोजिंग डेटर दे दिया 26,000, सेल्स दे देगा, अभी कैश या बैंक से कितना पैसा आया वो दे देगा, तो अपना डेटर में ओपनिंग बैलेंस तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है, क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों भी दिए वाले, एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, अब इस क्वेश्चन में एक एडिशनल पॉइंट आया कि एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बोल के दिया हुआ है, मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी है, लास्ट ईयर में 1,000 रुपए देने थे, इस साल के एंड में 600 रुपए देने के, तो हम ये अकाउंट भी बनाएंगे, अब मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेटर के बनाएंगे ना, साथ में मिसलेनियस एक्सपेंस भी बनाएंगे, क्योंकि 1,000 रुपए और 600 रुपए का अपन उस अकाउंट में ले सकते हैं,
वहां से फिर अपने को कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मिसलेनियस एक्सपेंस का भी अकाउंट बनाएंगे, डेटर क्रेडिटर का भी बनाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन में कैश और बैंक अलग अलग दिया हुआ है, मतलब कैश बुक दो कॉलम का बनाएगा। देखो हमने अभी अपने जो दो तीन क्वेश्चन हो गए उसके बेसिस पे तुमको थोड़ा लॉजिक लगाना है यहाँ पे, कि कैश और बैंक अलग अलग दे रहा मतलब अपने को दो कॉलम अलग अलग बनेंगे कैश बुक के अंदर। कभी कभी ऐसा दे देता कैश एंड बैंक बैलेंस एक ही साथ दोनों भी, तो उस टाइम पे एक ही कॉलम बनाएंगे अपन, कैश और बैंक कॉलम। और कभी कभी खाली कैश नहीं देता तो फिर वहां पे भी एक ही कॉलम बनेगा। ठीक है, तो ये पूरे जितने भी यहाँ पे असेट्स लाइबिलिटीज दिए हुए हैं हर एक के अपने को दो दो इफेक्ट देना है। दो दो इफेक्ट क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हमको बनानी पड़ेंगे टू फाइंड आउट द कैपिटल। कैपिटल निकालने के लिए लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और करंट ईयर की बैलेंस शीट तो बनाएंगे अपन, क्योंकि उसमें जो भी लास्ट ईयर का कैपिटल आएगा वो करंट ईयर में लेंगे और बैलेंस शीट टैली करना है। तो आखिरी में ये तो ईयर है जो अपन फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2020, इसका तो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं अपन। ये अपने को सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला है, और कैपिटल बैलेंस शीट निकालना है बोल के बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट है ये, ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट, क्लोजिंग बैलेंस शीट आंसर है अपना। अब ये जो डिटेल्स दिए हुए देखो, अभी डिटेल्स रिलेटिंग टू द ईयर ट्रांजेक्शन, डिटेल्स रिलेटिंग टू द ईयर ट्रांजेक्शन, मतलब जो ईयर का अपने को फाइनल अकाउंट बनाना है उसके ट्रांजेक्शन दे रहा है यहाँ पे। रिसीट, रिसीट, ठीक है, रिसीट डज नॉट मीन कैश रिसीट, इट कैन बी चेक ऑल्सो। रिसीट मतलब मिले, क्या मिला? कैश भी मिल सकता पैसे और चेक से भी मिल सकता। रिसीट इन द ईयर एंड, एंड नहीं एक्चुअली यहां पे मिस्टेक है, एंड रिसीट इन द ईयर एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट 2,45,000। अब ये सेंटेंस में दो चीजें मिसिंग करके दे दिया, मिक्स करके दे दिया अपने को। बोला 2,45,000 में डिस्काउंट अलाउड भी है और कैश रिसीव्ड और बैंक रिसीव्ड भी है, मतलब पैसा आए वाला भी है और डिस्काउंट भी है। डेटर से क्या होता है, पैसे भी आते हैं अपने को और अपन कभी कभी डिस्काउंट भी देते होंगे, तो 245 में दोनों मिलने वाले हैं, पैसे आए वाले भी मिलने वाले हैं और डिस्काउंट दिए वाला भी मिलने वाला है। बट अपने को इसका बाइफरकेशन चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि कैश बुक में मैं डिस्काउंट थोड़ी लिख सकता। कैश बुक के कॉलम में जब भी मैं लिखूंगा तो मुझे बाइफरकेशन चाहिए इसका। तो रिसीट इन द ईयर एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर मतलब डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट क्रेडिटेड मतलब वो इनकम वाला क्रेडिट नहीं बोल रहा हूं, डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट। तो डिस्काउंट डेटर को दिया तो अपन कहां लिखते हैं डेटर अकाउंट में, डेबिट पे या क्रेडिट पे? डेटर अकाउंट ऑलवेज है डेबिट बैलेंस, डेबिट करेंगे तो और बढ़ेगा डेटर, अगर अपन डिस्काउंट देते तो डेटर डेटर के क्रेडिट पे आएगा। तो डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं अपन, तो ये बोल रहा है डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, दैट मींस डिस्काउंट अलाउड टू डेटर इसमें इंक्लूड है। कितना है वो नीचे अपने को हिट कुछ दिया तो देखेंगे आगे। रिटर्न फ्रॉम डेटर 6,000, इट इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम डेटर सेल्स रिटर्न। बैड डेट 1,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट की बुक एंट्री होती है याद रखो, बैड डेट अकाउंट डेबिट कैश नहीं, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 1,000। सेल्स कैश एंड क्रेडिट 3 लाख। एक मिनट, इसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर कोई सोच रहा है सर ये 3 लाख और 2,45,000 कुछ तो भी लिंक लग रहा है उसका, सेल का और रिसीट का कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम सेल कितना कर रहे हो और पैसे कितने आ रहे हैं इसका क्या लेना देना है? तुम सेल 3 लाख का भी कर सकते हो, पैसे 2 लाख भी आ सकते हैं, 1 लाख भी आ सकता। तो तुम डेटर से कितना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं इसका सेल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स कैश क्रेडिट दोनों मिला के 3 लाख है, इसका भी मुझे बाइफरकेशन चाहिए। जब बोल रहा दोनों भी है इसका मतलब दोनों का बाइफरकेशन हमें चाहिए, बिकॉज कैश सेल की एंट्री अलग होती और क्रेडिट सेल की एंट्री अलग करते हैं अपन। ठीक है, मिलेंगे कुछ ना कुछ अपने क्वेश्चन में एंड होने तक मिलेंगे कुछ ना कुछ। सेल्स कैश एंड क्रेडिट देता 3 लाख। आगे रिटर्न टू क्रेडिटर परचेज रिटर्न 3,000 रुपए, पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक, बाय चेक स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, इसका मतलब ये पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर टू बैंक एंट्री करनी पड़ेगी इसकी। अच्छा, ये क्रेडिटर का था पहला पॉइंट जो था वो डेटर से रिलेटेड था, तो वो लिंक नहीं है कुछ भी उसका। आगे रिसीट फ्रॉम डेटर डिपॉजिटेड इन टू बैंक, अब दे दिया उसने लिंक, इसका लिंक है इसके साथ। ये जो लाइन दिया ना रिसीट फ्रॉम डेटर्स डिपॉजिटेड इन टू द बैंक, इसका मतलब ऐसे यहां पे ऐसे कर सकते हैं हम कि अब देखो एक्चुअली इन्होंने रिसीट का मतलब यहां पे कौन सा रिसीट बोला नहीं, कैश है या चेक है, चेक है या कैश है नहीं बोला। तो हम क्या करेंगे, ये 243 की कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देंगे, पहले पैसे लेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर,
एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, दूसरी एंट्री क्या करेंगे बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। तो ये 243 है और ऊपर का 245 है, इसका मतलब 2000 रुपए डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड कितना रहेगा 2000। समझ में आ रहा है? यहाँ पे डाउट देखो एकदम क्लियर दिया है, कुछ भी नहीं लिंक लगाना था आपने को। रिसीट फ्रॉम डेटर डिपॉजिट इनटू द बैंक, ऊपर की लाइन क्या थी, रिसीट इन द ईयर एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट 245। तो ये 245 और ये 243, अगर तुम्हारे पास 243 का अमाउंट आया और तुमने रिसीट फ्रॉम डेटर और डिस्काउंट अलाउड 245 है, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस जो है 2000 रुपए डिस्काउंट अलाउड है, 2000 रुपए का डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, और बाद में वो डिस्काउंट अलाउड को पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। पहले एक्सपेंसेस होने तो डिस्काउंट ये बिजनेस के लिए एक तरह से एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा, डेटर क्रेडिट हो जाएगा, डेटर कम हो जाएंगे 2000 रुपए से। सेकंड एंट्री क्या करेंगे, वो डिस्काउंट को पी एंड एल में डेबिट करेंगे, क्योंकि उसका अकाउंट तो नहीं बनाया अपने, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो पी एंड एल में डेबिट कर देंगे। कैश परचेजेस 10,000, कैश परचेजेस सिंपल एंट्री क्या होंगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये पूरे ऊपर के जितने भी इंफॉर्मेशन दिया यहां तक कैश परचेजेस तक, इट इज ऑल रिलेटेड टू डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर और क्रेडिटर से रिलेटेड थे। अभी भी अपने को कैश सेल का बाइफर्केशन नहीं मिला, सेल्स का, कैश और क्रेडिट का। ठीक है, आगे ये 243 का कुछ भी नहीं है इससे 3 लाख से लेना देना। ठीक है, क्योंकि वहां पे सेल बोल रहा है कैश एंड क्रेडिट, और ये बोल रहा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो डेटर का तो ओपनिंग बैलेंस भी रहता है, करंट का सेल रहता है, उसमें से पैसे मिलते हैं, तो पैसे मिलना और सेल होना डेटर के अंदर, इसका अभी फिलहाल में लिंक नहीं है। तो 3 लाख का बाइफर्केशन अभी बाकी है अपना। आगे सैलरी एंड वेजेस पेड आउट ऑफ द बैंक 18,000, आउट ऑफ द बैंक, आउट ऑफ द बैंक। अच्छा वर्ड दिया है सैलरी एंड वेजेस, आप क्यों बोलेंगे सर इसका बाइफर्केशन, जरूरी नहीं है सैलरी एंड वेजेस दिया तो पेंडर में लिख देंगे, वेजेस एंड सैलरी देता तो ट्रेडिंग में लिख देते थे। ठीक है, अगर बाइफर्केशन नीचे देता है तो फिर अलग अलग लिखना है, वेजेस को ऊपर सैलरी को नीचे, अगर दिया तो नहीं, क्वेश्चन में नहीं देंगे तो कुछ नहीं करना है। सैलरी वर्ड पहले है ना, तो पहला सैलरी वर्ड होने की वजह से कहां लिखेंगे पी एंड एल में। एंट्री क्या होंगी इसकी, सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ड्रॉइंग बाय कैश, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट्स बाय चेक, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितना है 2000 है, एक काम करो ऊपर सन्ड्री एसेट्स में देखो ओपनिंग क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग क्या दिया हुआ है वहां पे भी डिफरेंस 2000 का, इसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग में 2000 का डिफरेंस है, तो परचेज भी उतना ही 2000 का दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो कुछ नहीं करेंगे अपन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कुछ नहीं करना है, डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज ही नहीं करना अपने को। आगे कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 21,000, कॉन्ट्रा एंट्री, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 21,000, कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन द बैंक क्वेश्चन मार्क, अगर ये मिल जाता था ना तो 3 लाख का बाइफर्केशन मिल जाता था अपने को, क्वेश्चन मार्क दिया मतलब अपने को फाइंड करना है। कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन द बैंक मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, हाँ कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे, लेकिन अब अपने को कैश बुक से मिलने वाला है कैश सेल, और एक बार कैश बुक में से कैश सेल मिल गया जब आखिर में क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट सेल पता चल जाता, क्रेडिट सेल पता चल गया तो डेटर अकाउंट से फिर अपन ओपनिंग बैलेंस डेटर का निकाल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन मार्क दिए वाला है। तो लिंक मतलब इधर से कहीं ना कहीं लिंक है, ऐसा स्पेसिफिकली कोई रूट नहीं है जहां से अपने को क्लोज करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को तुमको जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन जैसा लिंक लगती है वैसे क्लोज करना पड़ेगा। आगे कैश सेल डिपॉजिट इन बैंक क्वेश्चन मार्क है, तो मतलब लाइन तो दिया लेकिन एंट्री नहीं कर सकते उसकी, अपन अमाउंट ही नहीं मालूम। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, अच्छा अलाउड बाय क्रेडिटर्स मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होंगी, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, हाँ देखो बेसिक अकाउंटिंग जो है एंट्री वो तो तुमको एकदम परफेक्ट आने पड़ेंगे तो ही अपन कर सकते हैं। डिस्काउंट अगर क्रेडिटर से मिलता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, और क्रेडिटर डेबिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज क्रेडिटर को कम करना है, उन्होंने अपने को डिस्काउंट दिए तो क्रेडिटर डेबिट करने से क्या होता कम हो जाता। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस एंड टू डिक्रीज द क्रेडिटर डेबिट करने से डिक्रीज हो जाएगा क्रेडिटर, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो इसके लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 4,000। तो यहां पे ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन इतना दिया हुआ है, इसके बेसिस पे अपने को
एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाना है 31 दिसंबर 2020 का, बट साथ में अपने को कुछ अकाउंट्स और बनाने पड़ेंगे, कुछ वर्किंग नोट भी बनाने पड़ेंगे। जैसा ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ये तुम्हारा वर्किंग नोट रहेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। उसके बाद डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, वो सैलरी एसेट्स का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज 2000 का परचेज है, अगर बनाया भी तो क्या होने वाला है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000, बैंक 2,000। तो जो अकाउंट अपने माइंड में एकदम क्लियर है कि क्या होने वाला है, उसमें दो तीन चीजें आने वाली है, तो वो नहीं बनाए तो भी चलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ अकाउंट्स बनाते तक इजी वाले अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, जो क्लियर दिख रहा है आपने को क्या है डिफरेंस। तो अभी आंसर में तुम क्या करो, सबसे पहले ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट को अराउंड 6-7 लाइंस, 6-7 लाइन का ट्रेडिंग अकाउंट, और नीचे 8 लाइन का, 8 से 10 लाइन का पीएनएल अकाउंट, तो वापस से हाफ पेज या उससे थोड़ा सा ज्यादा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना लो। हाफ पेज या उससे थोड़ा सा 2-3 लाइन ज्यादा, मतलब 17-18 लाइन का बना लो फॉर्मेट। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट 18 लाइन्स, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट करंट ईयर और लास्ट ईयर दो बनाने हैं, तो करंट ईयर का 8 लाइन्स, लास्ट ईयर का 6 लाइन्स। करंट ईयर बैलेंस शीट 8 लाइन्स, लास्ट ईयर बैलेंस शीट 6 लाइन्स। सिर्फ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है, ज्यादा लाइंस ड्रॉ नहीं करना है, वर्टिकल लाइंस स्ट्रेट से स्ट्रेट ड्रॉ करो सीधे सीधे। कैश बुक बनाना है 12 लाइंस का, दो कॉलम कैश और बैंक, कैश बुक 2 कॉलम्स, ट्वेल्व लाइन्स। कैश बुक हो गया, 3 अकाउंट बना लो 5-5 लाइन्स के, डेटर्स, क्रेडिटर्स और मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, 5-5 लाइन्स के 3 अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट और मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट।
रेडी का फॉर्मेट पूरा, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट दो, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट 6 लाइन का, क्लोजिंग बैलेंस शीट 8 लाइन का। उसके बाद कैश बुक बनेगा 12 लाइन का, 2 कॉलम का। उसके बाद 3 अकाउंट बनाने हैं, वर्किंग नोट, डेटर्स, क्रेडिटर्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये हमारा पूरा आंसर का मतलब इतना फॉर्मेट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टार्टिंग लाइन में क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले असेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी वाली है। तो सबसे पहला असेट दिया हुआ है सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स। तो बच्चों सन्ड्री असेट्स जो है पहले लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में ले लो, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। अच्छा बैलेंस शीट में डेट देख लो, बरोबर दिखेगा 1/1/2020 और 31 दिसंबर 2020। ठीक है, तो अभी मेरे को 1 जनवरी 2020 की बैलेंस शीट में लिखना है सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स 18,000। ठीक है, अगर इसका अकाउंट अगर बनाते थे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 लिख देते थे, लेकिन अकाउंट नहीं बनाया हमने तो इसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में इनर में लिख लो। क्यों इनर में? देयर इज अ एडिशन, एडिशन है ना, परचेज है ना, तो वो ऐड कर देंगे, वो ऐड करेंगे 18,000। तो ये दो इफेक्ट यही हो गए, 18,000 ऊपर 18,000, लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड और करंट ईयर बैलेंस शीट में इधर में 18,000। चलो उसके बाद नेक्स्ट ये जो टर्म है स्टॉक 14,000, 1/4/2020 का स्टॉक है 14,000, कहां लिखेंगे? लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड स्टॉक, लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड स्टॉक 14,000, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 14,000 स्टॉक। और क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है तो इसको अपन करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक कंसिडर करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे फर्स्ट लाइन में लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक 14,000, टू ओपनिंग स्टॉक 14,000। हो गए दो इफेक्ट। चलो उसके बाद नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों एक साथ कर सकते हैं बिकॉज दोनों सिमिलर जगह पे लिखना है हमको। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, असेट साइड पे लिख लो लास्ट ईयर के, पहले लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में असेट साइड लिखो पहले। लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड कैश इन हैंड 8,200, कैश एट बैंक 2,200, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सेकेंड इफेक्ट, कैश बुक के अंदर ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कॉलम में कैश का लिख दो और बैंक कॉलम में बैंक का लिख दो, 8,200 और 2,200। यहां तक हो गया सबका? चलो उसके बाद नेक्स्ट है डेटर्स। अच्छा क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब अभी कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं अपन लिख देंगे, अमाउंट नहीं लिखेंगे। इसे क्या हो जाता, जब अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो समझ में आएगा कि ये चीज लिखे नहीं अभी तक अपन ने, तो इसकी जगह जो है वहां पे लिख देंगे अपन। तो पहले क्या करो, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में असेट पे लिखो डेटर्स, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर्स, अमाउंट तो मालूम नहीं है बोल के अभी नहीं लिखेंगे हम, डेटर्स लिख के रख दो खाली। ठीक है, बाद में आएंगा फिर अपने पास जब लिखेंगे अमाउंट। और इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, डेटर अकाउंट के अंदर डेटर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो अमाउंट जब आएगा तब उसको स्टार मार दो, बैलेंसिंग फिगर रहने वाला है वे, तो डेटर अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। चलो उसके बाद क्रेडिटर्स 12,000, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, बरोबर लास्ट ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स 12,000,
लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 12,000, हो गया ये। चलो इसका सेकंड इफेक्ट 12,000 का, क्रेडिटर अकाउंट में, हाँ क्रेडिटर अकाउंट के अंदर कहां पे, यस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,000, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,000, हो गया यहां तक। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, बच्चों मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो डिफरेंस समझो, मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग जो है ना ये पर्सनल अकाउंट है 1,000। अभी ये जो 1,000 है इसको तो पहले लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में ले लो लाइबिलिटी साइड पे, क्योंकि कोई भी एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग रहा ना तो बिजनेस के लिए क्या रहता है, लाइबिलिटी, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिख दो मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 1,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 1,000, पर्सनल अकाउंट है ना, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है मतलब उसके अंदर कोई ना कोई पर्सन है जिसको पैसे देने के है, कोई भी एक्सपेंसेस पेएबल, सैलरी पेएबल इज आल्सो पर्सनल अकाउंट, सैलरी पेएबल या फिर टैक्सेस पेएबल, क्योंकि इसके अंदर अल्टीमेटली ये टर्म अपन सैलरी पेएबल लिख रहे हैं लेकिन अंदर तो कोई आदमी है ना जिसको पैसे देने गए, तो इसके लिए उसको पर्सनल अकाउंट ही बोलेंगे। अच्छा बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट आते भी नहीं वैसे भी, एक्सेप्ट पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट में कभी कभी पीएनएल लिखते हैं अपन, उसको छोड़ेंगे तो बैलेंस शीट में बाकी कोई आइटम नॉमिनल अकाउंट नहीं रहते, सभी पर्सनल या रियल अकाउंट होते हैं, और लाइबिलिटी पे तो पूरे पर्सनल ही रहते हैं, लाइबिलिटी पे पूरे पर्सनल रहते हैं जनरली। तो मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एनी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अभी इधर ध्यान दो सब जन, अभी मैं इसका सेकेंड इफेक्ट 1,000 का कहां लिखने वाला हूं, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट के अंदर, लेकिन क्यों सुनो एक मिनट, इधर ध्यान दो। एक्चुअली ये जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है 1,000, सुनो ये तो है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिया हुआ है लायबिलिटी साइड पे। अब होता क्या, इसको क्या करते मालूम क्या, जैसे ही करंट ईयर स्टार्ट होता जिस साल का अपन फाइनल अकाउंट बना रहे उस ईयर में क्या करते, इसकी एंट्री ऐसे कर देते, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1,000 टू मिसलेनियस, सॉरी एक मिनट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, देखो दोनों अलग अलग टर्म है, डेबिट पे क्या लिखे अपन ने आउटस्टैंडिंग अकाउंट, क्रेडिट पे क्या लिख रहे हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब ये एंट्री करने के बाद क्या होता, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्लोज हो जाता, क्योंकि लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी पे था, उसको डेबिट करने से क्लोज हो जाता है वो अकाउंट, वो अकाउंट क्लोज हो गया, तो मिसलेनियस एक्सपेंस कम हो गया। अब ये कम मतलब क्या है, ये लास्ट ईयर का खर्चा है जो करंट ईयर में पे करने वाले हम, जैसा करंट ईयर में जब पे करेंगे ना तो अकाउंट हम क्या एंट्री करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये ₹1,000 पेमेंट जब करेंगे ना तो ये एंट्री होती है। तो मुझे बोले जब अकाउंटेंट ये एंट्री करेगा तब मिसलेनियस एक्सपेंस भी कैंसिल हो जाता, मतलब ये ₹1,000 करंट ईयर का खर्चा है ही नहीं, वो ये 1,000 जो है ये लास्ट ईयर का खर्चा है जिसको अपन ने क्या किया लास्ट ईयर पीएनएल अकाउंट में ऐड कर दिए। आउटस्टैंडिंग का क्या करते हैं अपन कभी भी एक्सपेंसेस में ऐड कर देते और लाइबिलिटी पे शो करते हैं, अब उसको करंट ईयर में अकाउंटेंट एंट्री ये कर देता, करंट ईयर में अकाउंटेंट क्या करते हैं, अकाउंटेंट को जनरली बिजनेस में इतना नॉलेजेबल पर्सन नहीं रखते अपन, अपन क्या बोलते हैं जिसको बेसिक एंट्री आते उसको रख लो, उसको एंट्रीज मारने दो, तो उसको मालूम रहता है कि कोई भी खर्चा पे करे तो एंट्री क्या होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो उसको बोले कि तू ये मत सोच कि लास्ट ईयर का है करंट ईयर का है कि नेक्स्ट ईयर का है, कुछ भी नहीं सोचना, जब तेरे को एक्सपेंसेस की एंट्री जो मारना है वो रेगुलर एंट्री मारना है। ये जो है ना कोई स्पेशल अकाउंटेंट मतलब जो सीनियर अकाउंटेंट रहता है बिजनेस के अंदर वो जनरली ये स्टार्टिंग में एंट्री मार देता है पहले साल के पहले दिन, फर्स्ट डे पे अगर ये एंट्री कर दिए ना मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अब उसके अकाउंट जो रेगुलर अकाउंटेंट है जूनियर अकाउंटेंट उसको जनरली क्या बोलते हैं अपन, अभी भी कोई भी आएगा मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए उसका पेमेंट करते हो, तेरे को तो रेगुलर एंट्री करनी है, तेरे को ये सोचना नहीं कि लास्ट ईयर का है कि करंट ईयर का है, तेरे को ये एंट्री कर देना है, तो इससे क्या हो जाता है ये ऑलरेडी अपन ने साल के बिगनिंग में एंट्री कर दी है, अब जब ये पेमेंट करेंगे तब ये एंट्री होंगी, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस मिसलेनियस कट हो गया, अल्टीमेटली एंट्री क्या हुई मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। लास्ट ईयर का खर्चा अगर इस साल पे कर रहे तो एंट्री क्या होनी चाहिए, लास्ट ईयर का जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग डेबिट होना चाहिए टू, ये डेबिट होना चाहिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये एंट्री होनी चाहिए।
लेकिन एक्चुअली क्या करते हैं, 1 तारीख को वो एंट्री कर देते हैं साल के पहले दिन, 1 अप्रैल में या 1 जनवरी को, जो भी ईयर का स्टार्टिंग है, उसपे क्या करते हैं, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उनको डेबिट कर देते हैं और रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में क्रेडिट कर देते हैं। और फिर अकाउंटेंट को क्या बोलते हैं कि एक काम करना, अभी जो भी खर्चे रहेंगे कोई भी साल के रहेंगे तुमको रेगुलर एंट्री पास करनी है, ये रेगुलर एंट्री, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कैश, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कैश। मतलब उसको ये दिमाग लगाना नहीं कि लास्ट ईयर का खर्चा क्या एंट्री होनी चाहिए, लास्ट ईयर की एंट्री ये होती खर्चे की, लास्ट ईयर के खर्चे की पेमेंट की एंट्री ये होनी चाहिए, बट जनरली अपन क्या करते हैं ये एंट्री करते हैं और फिर अकाउंटेंट को बोलते हैं ये एंट्री पास करो। ठीक है, अभी अपन देखो अपन क्या करने वाले हैं, अपना जो मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट है इसके डेबिट पे मैं क्या करूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट है ना, हाँ, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मतलब इधर साइड में आ जाएंगे क्रेडिट साइड पे 1000। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम क्या लिख रहे हैं, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 1000, बाय मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 1000। तो हो गए दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट क्या दिया अपने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, और दूसरा इफेक्ट मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अभी किसी को यहाँ पे डाउट क्या होगा कि सर लाइबिलिटी पे लिखे मतलब क्रेडिट इफेक्ट, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस में भी अपन क्रेडिट लिख रहे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस में भी क्रेडिट लिख रहे हैं और इधर लाइबिलिटी पे लिखे ये भी क्रेडिट हुआ, तो सर दो क्रेडिट इफेक्ट कैसे दे रहे हैं, एक डेबिट होना चाहिए क्रेडिट होना चाहिए। अरे ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, और मुझे बताओ इसमें बैलेंस फिगर क्या आने वाला है, कैपिटल। मुझे बोलो मैं अगर अमाउंट डेबिट पे कुछ लाइबिलिटी पे कुछ अमाउंट लिख रहा तो कैपिटल कम होगा कि बढ़ेगा, कैपिटल कम होता क्योंकि क्रेडिट की टोटल सॉरी असेट साइड की टोटल अपन पहले करते हैं और लाइबिलिटी के अमाउंट्स माइनस करके कैपिटल को बैलेंस शीट में निकालते हैं। अभी 1000 रुपए मैंने लाइबिलिटी पे लिखा इसकी वजह से मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो रहा मतलब डेबिट इफेक्ट दे रहे अपन। तो ये जो 1000 लिखे ना ये डेबिट इफेक्ट है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो लिखते ना वो अपोजिट इफेक्ट रहता सही में देखे तो। ये तुम्हारा फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है एक्चुअल में, ये तुम्हारे फाइनल अकाउंट का है नहीं पार्ट, तुम्हारा फाइनल अकाउंट ऊपर है ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट करंट ईयर का। तो यहां पे अपन लाइबिलिटी पे लिखे 1000, लेकिन ये 1000 लिखने की वजह से तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओपनिंग कैपिटल कहां लिखने वाले अपन, करंट ईयर की बैलेंस शीट में, तो इनडायरेक्टली तुम कैपिटल कम कर रहे हैं 1000 रुपए लिख के, तो ये डेबिट इफेक्ट हुआ। और अभी जो अपन ने लिखे यहां पे ये 1000 ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ। ठीक है, अगर इतना डीपली नहीं समझ रहा तो सिंपली तुमको ऐसे बहुत बार आने वाला है अभी, ये यहां से हर क्वेश्चन में रहेगा ऐसा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का। तो याद रखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कभी भी लास्ट ईयर के क्लोज करना है तो डेबिट करना पड़ता, रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस को डेबिट करना पड़ता। तो एक्सपेंसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को डेबिट करो एक्सपेंसेस को क्रेडिट करो, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। देखो इसका पेमेंट कब होने वाला है मुझे बोलो, इस साल में जब होगा तब क्या लिखेंगे अपन, टू कैश डेबिट पे लिखेंगे टू कैश, तो टू कैश जो लिखेंगे उसमें से लेस होना चाहिए, तो इधर क्रेडिट पे लिखेंगे तो लेस हो जाएगा, तो 1000 रुपीज अपने लेस किए मिसलेनियस एक्सपेंस पे से। ठीक है, फाइनल अकाउंट में अपन क्या करते थे, लास्ट ईयर का खर्चा इस साल पे करे तो अपन क्या करते थे, लेस करते थे, क्योंकि लास्ट ईयर का खर्चा तो इस साल का खर्चा नहीं रहता। तो मुझे बोलो मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट करने से इंक्रीज होता है, क्रेडिट करने से डिक्रीज। तो अभी क्रेडिट कर रहे ना अपन, तो वैसे भी लेस ही कर रहे अपन, क्रेडिट करना मतलब लेस करना, तो ये लेस कर दिया मिसलेनियस एक्सपेंस। ठीक है, तो बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000। उसके बाद नेक्स्ट ये 1000 हो गया, अब आ जाओ 31st of December 2020 सन्ड्री असेट्स 20,000, सन्ड्री असेट्स 20,000। अब एक्चुअली 18,000 का 20 हुआ मतलब परचेज तो पक्का है, यहां पे क्वेश्चन में लाइन भी दे दिया उसने। अच्छा, ये लाइन नहीं भी देता तो चलता था, लेकिन उसको वो क्लियर करना जरूरी था कि असेट कैश में परचेज किया या चेक से परचेज किया, उसको वो देना जरूरी था, इसके लिए उसने वो लाइन दे दिया। अगर ये क्वेश्चन में कैश कॉलम अकेला रहता था, समझो बैंक कॉलम नहीं रहता था एग्जांपल, तो वो यहाँ पे ये देना ही नहीं था कि असेट परचेस किया बोल के। 18,000 का असेट 20,000 हुआ मतलब परचेस हुआ 100%। ठीक है, एप्रिसिएशन करना अलाउड नहीं रहता, तो जनरली असेट में एडिशन हुआ तो ही असेट बढ़ता, तो यहाँ पे तो दे दिया क्लियरली परचेज ऑफ सन्डी असेट बाय चेक 2000। तो एक काम करो, पहले इसको भी यूज करना पड़ेगा अब अपने को, क्योंकि 20,000 का अगर देना है अपने को तो पहले ये 2000 को भी लेना पड़ेगा। तो ये 2000 का क्या करो, कैशबुक में आ जाओ, कैशबुक के अंदर कैशबुक
कैशबुक में आ जाओ और बाय सन्ड्री असेट्स, बाय सन्ड्री असेट्स बैंक कॉलम में देखो 2,000 रुपए, बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम में 2,000। और बैलेंस शीट के अंदर क्या करो, करंट ईयर के एड एडिशन 2,000, एड एडिशन लिख दो, एड परचेजेस 2,000, और देर इज नो डेप्रिसिएशन ऑन दिस सन्ड्री असेट्स, तो आउटर में डायरेक्टली लिख दो 20,000। देखो 2,000 के दो इफेक्ट दे दिए, अभी किसी के माइंड में होंगे 20,000 के दो इफेक्ट कहां हुए सर, अकाउंट बनाते तो वहां दूसरा इफेक्ट होता था, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखना पड़ता था 20,000, तो वो एक इफेक्ट और यहां पे 20,000 जो लिखे, ठीक है। तो थोड़े थोड़े ऐसा स्ट्रिक्टली माइंड में रूल बनता था, हर अमाउंट का दो इफेक्ट होता तो होना ही चाहिए, अकाउंट नहीं बनाने की वजह से एक इफेक्ट हो रहा, ये जो 20,000 है ना, ये अपना अकाउंट बनाते तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाता था, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो 20,000 के भी हो गया दो इफेक्ट, तो ये 2,000 का भी हो गया। चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, स्टॉक 19,000, स्टॉक 19,000, वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, फिफ्थ लाइन में लिखो, फिफ्थ सिक्स लाइन में, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को जनरली ट्रेडिंग के क्रेडिट पे एंड में लिखते हैं अपन, बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, विच बैलेंस शीट, करंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक 19,000, करंट ईयर बैलेंस शीट में 19,000 क्लोजिंग स्टॉक, 19,000 क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक क्लोजिंग, तो पहले ले लो कैशबुक के अंदर लास्ट लाइन में ऑपोजिट साइड पे, मतलब क्रेडिट साइड पे है कैशबुक में, लास्ट लाइन में क्रेडिट साइड पे, टोटल वाली लाइन के ऊपर वाली लाइन में बाय बैलेंस कैरी डाउन, और अमाउंट दिया हुआ है 4,800 और 8,000, 4,800 और 8,000। चलो अब ये 4,800 और 8,000 का सेकेंड इफेक्ट, करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड, करंट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 4,800 और 8,000, कैश इन हैंड 4,800, कैश एट बैंक 8,000। यहां तक हो गया। चलो नेक्स्ट आगे डेटर्स 26,000, क्लोजिंग डेटर है ये, क्लोजिंग डेटर है, तो बैलेंस शीट में करंट ईयर के असेट साइड पे लिख दें, करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर्स 26,000, करंट ईयर बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स 26,000, और डेटर्स अकाउंट के अंदर, डेटर्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 26,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 26,000। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स 9,800, करंट ईयर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड नीचे लिखना थोड़ा, क्रेडिटर्स कितना लिखेंगे 9,800, 9,800 सेकेंड इफेक्ट, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे नीचे एकदम टू बैलेंस कैरिड डाउन 9,800, टू बैलेंस कैरिड डाउन 9,800। यहां तक हो गया। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, एक मिनट, ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में, फाउंडेशन में क्लोजिंग मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रहते थे, अपन दो इफेक्ट देते थे एक्सपेंसेस में एड, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, अभी भी वही करना है, एक्सपेंसेस में ऐड करना मतलब मिसलेनियस एक्सपेंस के डेबिट पे बताना, देखो अकाउंट बनाया वाला है ना मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसके डेबिट पे आ जाओ और डेबिट पे लिखो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600 या मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 600, ये ऐड कर रहे हम, कोई भी एक्सपेंसेस में डेबिट पे लिख रहे मतलब ऐड, क्रेडिट पे लिख रहे मतलब लेस, अब ये लॉजिक से याद रखो तो इजी याद रहेगा तुमको,
तो ये डेबिट पे लिख दिया, ऐड कर दिया अपन ने। अब इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 600 करंट ईयर, करंट ईयर के बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 600, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 600। तो अपना ऊपर का जो ये पैराग्राफ में जो दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, लास्ट ईयर के एसेट्स और लायबिलिटी और करंट ईयर के, ये तो पूरे हो गए। अब आ जाओ डिटेल्स रिलेटिंग टू द ईयर ट्रांजैक्शंस। कुछ कुछ पॉइंट्स अपने को छोड़ने पड़ेंगे, बिकॉज जब तक उसका बाइफर्केशन नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, रिसीट, रिसीट फ्रॉम, रिसीट इन द ईयर एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू, रिसीट इन द रिसीट्स इन द ईयर एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट 245। तो इसको पेंडिंग रखो, बिकॉज इसका हमको बाइफर्केशन चाहिए, ठीक है, पेंडिंग रहेगा ये, तो ये वाला पेंडिंग पॉइंट। उसके बाद रिटर्न फ्रॉम डेटर, इसकी एंट्री कर सकते हैं हम, रिटर्न फ्रॉम डेटर क्या एंट्री होती, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। एक काम करो, डेटर अकाउंट के क्रेडिट पे आ जाओ, डेटर अकाउंट के क्रेडिट पे बाय सेल्स रिटर्न 6000, बाय सेल्स रिटर्न 6000। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, सेल्स में से लेस करना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे अभी सेल्स तो आया नहीं, तो एक काम करो, सुनो प्रेजेंटेशन कैसा करना है, बाय सेल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैश और क्रेडिट अलग अलग से कैलकुलेट करना है, बिकॉज टोटल सेल 3 लाख रुपए दिया वाला है अपने को, तो मैं क्या कर रहा, देखो यहाँ पे कैश क्रेडिट, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आएगा कैश क्रेडिट का वो अमाउंट लिख देंगे, और इसके नीचे लिख दो रिटर्न, लेस रिटर्न। तो ये प्रेजेंटेशन करके रख दिया, अभी क्या क्या किया अपन ने, मैंने बोला था क्लोजिंग स्टॉक को चौथे पांचवे लाइन में लिखो, तो ऊपर के तुमको 3-4 लाइन लगेंगे। अभी सेल्स सबसे ऊपर अंडरलाइन कर दो उसको, हेडिंग है, उसके नीचे कैश और क्रेडिट, ठीक है, और फिर उसके नीचे लेस रिटर्न, और अभी अमाउंट लिख दो 6000। ये हो गया सेकेंड इफेक्ट रिटर्न का। आगे जब भी कैश सेल और क्रेडिट सेल आ जाएंगे तो ये रिटर्न लेस कर देंगे उसमें से। अच्छा, कैश और क्रेडिट सेल दिए वाला भी है अपने को 3 लाख रुपए, बट अभी अपन आउटर में 294 आएगा, आउटर में कैश और क्रेडिट मिला के 3 लाख का सेल दिया हुआ ना, कितना दिया है, एक मिनट रुको, 3 लाख ही दिया है ना, हाँ, तो इनडायरेक्टली टोटल सेल अपने को मालूम है 3 लाख, और उसमें से ये रिटर्न 6000 माइनस किए, तो 294 आउटर में अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 लाख का बाइफर्केशन जब मिलेगा तब अपन लिखेंगे, उसके बाद आउटर में लिख देंगे, ठीक है। लेकिन कैश और क्रेडिट अलग अलग सेल चाहिए अपने को, तो ये 6000 का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बैड डेट 1000, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय बैड डेट्स, बाय बैड डेट्स 1000, बाय बैड डेट्स 1000। और ये जो बैड डेट्स लिखे ना, इसका अकाउंट तो नहीं बनाया अपन ने, लेकिन इसको कहां जाना है वो अपने को मालूम है, बैड डेट आखिरी में कहां जाएगा, पी एंड एल अकाउंट, तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे। एक मिनट, पी एंड एल अकाउंट अपना ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर के 6-7 लाइन छोड़ के लिखो, फिर नीचे बैड डेट, ठीक है, अमाउंट कहां लिख रहे, कौन से लाइन में लिख रहे, वो तुमको ध्यान देना है, बैड डेट 1000, ऊपर के 6-7 लाइन ट्रेडिंग अकाउंट का है तो माइंड में रखो उसको, और पी एंड एल अकाउंट नीचे का पार्ट, तो बैड डेट पी एंड एल में लिखना है 1000, हो गया 1000 का सेकंड इफेक्ट। उसके बाद सेल्स कैश एंड क्रेडिट पेंडिंग, जब तक कैश और क्रेडिट का कुछ ना कुछ बाइफर्केशन नहीं मिलेगा तब तक यूज नहीं कर सकते। रिटर्न टू क्रेडिटर्स 3000 रुपए है, रिटर्न टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, अरे क्रेडिटर्स डेबिट करने से कम होंगे, और परचेज रिटर्न कभी भी क्रेडिट होता, कभी भी, ठीक है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है तुमको, क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न 3000, टू परचेज रिटर्न 3000। और मुझे बोलो ये परचेज रिटर्न को भी सेम जैसे हमने सेल्स रिटर्न का प्रेजेंटेशन किया वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, तो
के डेबिट पे आ जाओ, ट्रेडिंग के डेबिट पे परचेजेस बोल के हेडिंग लिख दो, कैश क्रेडिट लेस रिटर्न 3,000। अच्छा कैश क्रेडिट लिख दिए और सपोज बाद में पता चला कि ओनली क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज नहीं है, तो डैश मार दो। तुमने लिख दिया तो अमाउंट आना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मेट है उसमें हमने लिखे नहीं, तो डैश मार देना है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये वाला मैक्सिमम रहेगा कैश क्रेडिट और रिटर्न परचेज के अंदर, और सेल्स के अंदर भी ऐसे ही कैश क्रेडिट और रिटर्न। तो ये हो गया रिटर्न 3,000, दोनों इफेक्ट दे दिया अपन ने। चलो उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय चेक 236,200, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एक काम करो क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट 236,200, 236,200 क्रेडिटर के डेबिट पे, और कैशबुक के सेकेंड पे कैशबुक के क्रेडिट पे बाय क्रेडिटर्स बैंक कॉलम 236,200 बाय क्रेडिटर्स बैंक कॉलम 236,200। हो गया यहां तक। चलो उसके बाद रिसीट फ्रॉम डेटर्स, देखो इतना रिसीट फ्रॉम डेटर्स, मे बी इट इज कैश रिसीट और बैंक, मतलब चेक से मिले होंगे या तो कैश मिले होंगे, बट आगे क्लियर बोल रहा है डिपॉजिट इन टू द बैंक। तो मुझे बोलो कैश डिपॉजिट बैंक में करो या चेक डिपॉजिट इन बैंक करो, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि पहले पैसे आए होंगे या चेक आए होंगे, जो भी आए होंगे बाद में उसको बैंक में डिपॉजिट करें। तो कोई स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पे एक एंट्री से भी काम कर सकता है या दो एंट्री भी कर सकता है। एक एंट्री कैसे होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, फिर कॉन्ट्रा एंट्री की जरूरत नहीं है। देखो ये भी राइट, कोई गलत नहीं है ये भी। अब दो एंट्री क्या होंगी, पहले कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसमें क्या होता है कैश कैश कैंसिल हो जाता, अल्टीमेटली यही एंट्री हो रही है। तो ये वाला एकदम करेक्ट है, बिकॉज यहां पे क्लियरली बोला है कि रिसीट फ्रॉम डेटर डिपॉजिट इन टू बैंक, तो किसी ने ये किया तो भी राइट है। ठीक है, तो ये भी एकदम राइट है, ये भी राइट है। यहाँ पे अल्टीमेटली अकाउंटेंट को अगर बहुत डीप नॉलेज है तो वो दो दो एंट्री नहीं करता, वो एक ही एंट्री में काम कर लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी अपन दो दो एंट्री भी कर सकते हैं और एक एंट्री भी कर सकते हैं, तो ये वाले करेंगे अपन। क्या एंट्री होंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर 243 और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आ जाओ कैशबुक के अंदर, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 243, तो डेटर के क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे बाय कैश 243। वो हो गया 243 का। अभी 243 के कॉन्ट्रा एंट्री मारना है, बिकॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक बोला उसने। क्या एंट्री होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश लिखो, टू कैश बैंक कॉलम में लिखो 243 बाय बैंक, कैश कॉलम में लिखो 243, है ना। किसी को अगर कैश कैश के 243 कैंसिल करना है, कैश का डेबिट भी है देखो क्रेडिट भी है तो भी चलेगा, डायरेक्टली तुम क्या करो कैशबुक के डेबिट पे टू बैंक लिख दो, सॉरी टू कैश लिख दो, टू डेटर लिख दो 243, बैंक टू डेटर बोल रहा था ना मैंने, एंट्री एक एंट्री करना है तो टू डेटर लिख के 243 बैंक कॉलम में लिख दो और इधर बाय बैंक लिख दो 243। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर वही रहेगा। उसके बाद में अच्छा ये 243 का यूज करना है अपने को फर्स्ट सेंटेंस से, कि अगर 243 का कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर 243 है, और ऊपर की लाइन में दिया कलेक्शन फ्रॉम डेटर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटेड टू डेटर, ये दोनों मिला के 245 है, तो इसका मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है 2,000 का, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। तो डेटर अकाउंट के क्रेडिट पे, डेटर के क्रेडिट पे बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड 2,000, सिर्फ डिस्काउंट भी लिखे तो चलता, बाय डिस्काउंट 2,000। इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा 2,000 का,
पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डिस्काउंट 2000, टू डिस्काउंट 2000 या डिस्काउंट अलाउड 2000, डिस्काउंट अलाउड 2000, हो गया यहां तक। चलो ऊपर अभी तक दो पॉइंट अपन ने पेंडिंग रखे हुए, जिसमें से पहला पॉइंट मेरे ख्याल से हो गया, हो गया ना 245 का बाइफरकेशन मिल गया, तो ये हो गया। अभी एक ही बचा हुआ है 3 लाख। चलो उसके बाद कैश परचेजेस 10,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बुक के अंदर बाय परचेस, कैश बुक के अंदर बाय परचेस कैश कॉलम में 10,000, कैश बुक के अंदर बाय परचेस कैश कॉलम में 10,000। और सेकंड इफेक्ट, परचेज अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे कैश के सामने लिखना है 10,000, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे परचेजेस बोल के हेडिंग लिखा है अपन ने, उसमें कैश के सामने लिख दो 10,000, हो गया 10,000 के दो इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी एंड वेजेस, इसका कोई क्वेश्चन में हिंट नहीं है कि इसका बाइफरकेशन कैसे करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट टर्म सैलरी जो डेबिट दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है पेड आउट ऑफ द बैंक 18,000, एंट्री क्या होंगी सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या करो, कैश बुक में आ जाओ, बाय सैलरीज एंड वेजेस 18,000, बाय सैलरीज एंड वेजेस 18,000, और क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसको डायरेक्टली पी एंड एल में लेके जाएंगे, तो पी एंड एल में लिख दो सैलरीज एंड वेजेस 18,000, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड पे लिखो सैलरीज एंड वेजेस 18,000, हो गया क्या 18,000 का दो इफेक्ट। मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, पेड बाय कैश 5,000 रुपीज एंट्री, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक काम करो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट पे लिखो टू कैश, टू कैश 5,000, और कैश बुक में, कैश बुक में क्रेडिट साइड पे बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस विथ कॉलम कैश कॉलम 5,000, कैश कॉलम 5,000, हो गया यहां तक। ड्रॉइंग बाय कैश 9,400, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश बुक में बाय ड्रॉइंग्स 9,400, बाय ड्रॉइंग्स 9,400 कैश कॉलम। सेकेंड इफेक्ट, कैपिटल में से लेस करंट ईयर बैलेंस शीट में, ठीक है करंट ईयर बैलेंस शीट में, जो कि कैपिटल अभी पता ही नहीं है, तो फिलहाल में लिख के रख दो कैपिटल लेस ड्रॉइंग करके रख दो और सामने अमाउंट लिख दो 9,400। कैपिटल अकाउंट अभी आया नहीं, तब तक के लिए क्या करो, कैपिटल लिखो लेस ड्राइंग लिख के अमाउंट लिख दो 9,400। उसके बाद परचेजेस, परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट बाय चेक, आई थिंक हो गया अपने 2000 का, अपन ने बैलेंस शीट में ऐड कर दिया 2000। उसके बाद कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक 21,000, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 21,000, तो टू बैंक अकाउंट 21 कैश कॉलम, टू बैंक अकाउंट कैश कॉलम में 21, बाय कैश अकाउंट बैंक कॉलम में 21, बाय कैश अकाउंट बैंक कॉलम में 21,000, कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन द बैंक। देखो एक्चुअली देखेंगे तो दो एंट्री यहां करना है, कैश सेल की एंट्री होंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश टू सेल्स, और फिर ये जो कैश आया वाला डिपॉजिट कर दिया पूरा बैंक, बैंक टू कैश, बट अमाउंट नहीं मालूम, बोल के अपने को ये दोनों एंट्री रखने पड़ेंगे पेंडिंग, दो एंट्री होने वाले कैश अकाउंट डेबिट सेल्स। तो सिंपली मैं क्वेश्चन मार्क
का आंसर कहां से मिलने वाला मालूम क्या? तो बैंक कॉलम जब क्लोज करेंगे तो बैंक में बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा जो रहेगा ना वो उतना ही अमाउंट आएगा जितना कैश सेल है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग तो दिए वाले हैं। तो तुम्हारा बैंक कॉलम में जो डिफरेंस आएगा वो कैश सेल का ही रहेगा। देखेंगे एक बार, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स 4000, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड 4000, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड 4000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 4000, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 4000, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 4000, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 4000, ठीक है। तो अभी यहां पे क्वेश्चन में अपने को एक तो ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन द बैंक, अच्छा ये आया तो 3 लाख का बाइफरकेशन मिल जाता बिकॉज दोनों एक ही चीज है। देखो ना यहाँ पे कैश सेल्स बोल रहा, ऊपर बोल रहा है कैश एंड क्रेडिट सेल मिला के 3 लाख है, तो हमारे जो दो पॉइंट पेंडिंग है इसमें वो दोनों एक दूसरे लिंक ही है, मतलब एक अमाउंट मिल गया तो बाइफरकेशन दोनों भी हो जाते। तो पहले क्या करो एक बार पूरे अपने जो भी पोस्टिंग किए वाले जो भी अमाउंट्स लिखे अपन ने तो उसमें क्या क्लोज कर सकते, सबसे पहले देखो एक बार डेटर्स अकाउंट क्लोज कर सकते क्या? नहीं कर सकते बिकॉज ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है, सेल्स फाइंड करना है, क्रेडिट सेल, तो एक ही साइड पे दो चीजें मिसिंग है तो बैलेंसिंग भी वैसे निकालेंगे तो डेटर अकाउंट तो क्लोज नहीं होता। क्रेडिटर क्लोज होता क्या? मिल सकता है लेकिन उससे कुछ फायदा ही नहीं अपना क्लोज करके। परचेज मिल जाएगा लेकिन परचेज मिला तो क्या होने वाला है? परचेज निकलता है इसमें से, निकाल लो टोटल करो डेबिट का कितना हो रहा है, क्रेडिटर का डेबिट टोटल टू लैख 53,000 लेस 12,000, ठीक है 2,41,000 आए क्या? देख लो क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग फिगर बाय परचेजेस 2,41,000, ठीक है। बट ये 241 से हमको जो चाहिए वो आंसर नहीं मिल सकता, बट फिर भी इजीली निकल गया तो निकाल के एक बार क्या करो इसको जगह पे लिख दो। कहां लिखेंगे 241? ट्रेडिंग के डेबिट पे है, ट्रेडिंग के डेबिट पे अपने जगह रखे थे उसके लिए, क्रेडिट परचेज के लिए जगह रखे हुआ था 2,41,000 लिख दो वहां पे, और उसका नेट फिगर भी लिख सकते हैं आउटर में 2,48,000 आएगा। पर हमको चाहिए कैश और क्रेडिट सेल का बाइफरकेशन, तो ये परचेज से तो कुछ लेना देना नहीं है उसका, चलो ठीक है। एक बार मिसलेनियस एक्सपेंस में आओ, मिसलेनियस एक्सपेंस इसका भी उससे कुछ लेना देना नहीं है, इसको भी क्लोज कर सकते हैं अपन। क्या लिखेंगे बोलो क्रेडिट साइड पे? डेबिट टोटल ज्यादा है, क्रेडिट पे लिखेंगे क्या? अमाउंट नहीं पूछ रहा मैं, क्या लिखना है वहां पे? कैरी डाउन तो नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ब्रॉड डाउन भी नहीं है उसमें। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस 11-12 में क्या करते थे सुनो, 5,000 रुपए अपन इनर में लिखते थे, पीएनएल में ट्रायल बैलेंस में दिया होता था इनर में लिखते थे, लास्ट ईयर का लेस करंट ईयर का एड। अभी जो पीएनएल लिख रहे ना तुम अमाउंट निकालेंगे वही चाहने वाला है, ये देखो ना करंट ईयर का यहाँ पे 600 एड हो गया, लास्ट ईयर का इधर है लेस होने वाला है, तो 5,600 माइनस 1,000 कितना 4,600, और ये 4,600 जो है इसको लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,600, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,600, ठीक है। मैं इसके लिए नॉन ट्रेडिंग जब फाउंडेशन में पढ़ाया था तब बोला था कि ये हैबिट तुमको डालनी पड़ेगी कि लेजर बनाने पड़ते हैं, तो ये चैप्टर और आगे भी चैप्टर जाएंगे तो उसमें आएंगे तुमको कि ऐसे अकाउंटिंग करना जरूरी है, अपन प्लस माइनस करके जो है ना वो हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो जब तक एंट्री नहीं आती तब तक अपन ये क्लोज नहीं कर, ये अकाउंट्स बना ही नहीं सकते इतने सारे,
तुम देखो आंसर में अपन कहीं पे भी बहुत रेयरली प्लस माइनस इंडर में कर रहे हैं, सब चीजें अकाउंट बना के कर रहे हैं अपन। हो गया 4,600, बट अभी अपना सेल्स का बाइफरकेशन निकालने के लिए कुछ हिंट नहीं मिला, तो अब अपने पास बचा हुआ जो है कैश बुक और डेटर्स है। डेटर्स तो क्लोज नहीं कर सकते, डेटर्स क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज ओपनिंग डेटर भी नहीं पता है और क्रेडिट सेल्स का डेटर भी पता नहीं है। क्रेडिट सेल कितना वो भी नहीं पता अपने को। तो एक काम करो, कैश बुक में सबसे पहले कैश कॉलम को नहीं बैंक कॉलम को क्लोज करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज अपने कैश सेल में क्या बोला था उसने कि कैश सेल डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो पहले बैंक कॉलम का क्लोज करो कितना आता है। देखो कौन सा साइड ज्यादा आ रहा, क्रेडिट ज्यादा है क्या? क्रेडिट ही ज्यादा होना चाहिए बिकॉज बैंक में डिपॉजिट करे कैश सेल का, तो डेबिट पे आना चाहिए। तो 285,200 है क्या क्रेडिट टोटल? बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड का टोटल 285,200, 285,200, उसमें से डेबिट के दो अमाउंट लेस कर दो तो यहां पे क्या आएगा? अभी देखो मैंने बोला था ठीक है दो एंट्री करो तुम, यहां पे तुम क्या लिखो? टू कैश लिखो। देखो मेरे पास डायरेक्ट एंट्री किया हुआ है, मैंने बताया दो एंट्री कर सकते हैं इसके अपन। कौन से दो एंट्री? हाँ देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ठीक है, और फिर सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा। और इसके जगह पे मैं अगर एंट्री कर रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये दोनों भी ऑप्शन जो है दोनों में भी सेम मीनिंग है, कैश कैश कैंसिल होने वाला है, अल्टीमेटली बैंक टू सेल्स होने वाला है ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर जो है ना, मैंने क्या किया टू सेल्स लिख दिया डायरेक्टली और यहाँ पे अमाउंट लिख दिया 40,000, मतलब मैंने सिंगल एंट्री किया, मैं दो एंट्री पास नहीं करा। तो तुमको अगर करना है तो यहाँ पे क्या करो, टू कैश लिखो, पहले लिखो किसको लिखना है तो लिखो टू कैश लिखो 40,000, और इधर जाके क्या करो बाय बैंक लिखो कैश कॉलम में 40,000, बाय बैंक 40,000 कैश कॉलम में। बैंक कैश कॉलम में 40,000, और अब क्या करना है डेबिट साइड पे टू सेल्स कैश कॉलम में 40,000 लिख दो, बस इतना ही लिखना है टू सेल्स कैश कॉलम में 40,000। तो क्या हो गया 40,000 तुमने यहां पे लिख दिया, 40,000 यहां पे लिख दिया, तो वो कैंसिल हो गया कैश कॉलम में और अल्टीमेटली बैंक कॉलम में 40,000 आना चाहिए था, आ गया ठीक है। तो दो एंट्री से भी कर सकते, एक एंट्री से भी। चलो अभी मुझे बोलो 40,000 क्या है तुम्हारा, ये कैश सेल है, एंट्री क्या होंगी कैश सेल की? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अच्छा 3,00,000 रुपए कैश एंड क्रेडिट सेल है, 3,00,000 रुपए कैश एंड क्रेडिट सेल है। तो 40,000 रुपए अगर कैश सेल है तो क्रेडिट सेल कितना हो गया 2,60,000। तो एक मिनट रुको, पहले ये 40,000 का सेकंड इफेक्ट दे देंगे अपन, 40,000 का इसको ले लो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कैश के सामने लिख दो 40,000। अब 3,00,000 रुपीज अपने को जब मालूम है तो क्रेडिट सेल का भी बोल सकते हैं अपन 2,60,000 होना है, तो क्रेडिट सेल के ब्रैकेट में लिख दो 3,00,000 माइनस 40,000, 3,00,000 माइनस 40,000, ये 260 जो है 3,00,000 माइनस 40,000। अच्छा 260 का सेकेंड इफेक्ट डेटर अकाउंट के डेबिट साइड पर, राइट डेटर अकाउंट के डेबिट साइड पे टू सेल्स, टू सेल्स डेटर के डेबिट पे टू सेल्स 2,60,000। अच्छा अभी भी कैश बुक क्लोज नहीं हुआ पूरा, तुमने खाली बैंक कॉलम क्लोज किया वाला है, कैश कॉलम अभी बाकी है। तो देखो बैंक कॉलम क्या, कैश कॉलम क्या आ रहा है? हाँ? पहले हो रहा ठीक है ना, डिफरेंस आया तो सोचना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में तो कुछ हिंट नहीं है।
272 200। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता था और मान लो अभी डिफरेंस आ गया तो क्या करते थे अपन, एक नोट लिख के क्रेडिट पे डिफरेंस आया तो बाय ड्रॉइंग ले लेना, डेबिट पे डिफरेंस आया तो टू कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला और ये डिफरेंस आया सपोज कैश कॉलम में, ठीक है जनरली तो हेड देता ही है, अभी तो टैली हो गया डायरेक्टली तुम्हारा, तो अगर डिफरेंस आता था तो डेबिट पे डिफरेंस आया तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और क्रेडिट पे डिफरेंस आया तो ड्रॉइंग्स, ठीक है अभी टैली हो गया अपना। चलो अभी डेटर अकाउंट में क्या है, बैलेंसिंग फिगर मिसिंग, ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना 18,000। ये 18,000 रुपीज क्या करो, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में ले लो डेटर्स के सामने, तो डेटर्स अकाउंट भी क्लोज हो गया तुम्हारा, क्रेडिटर हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, कैश बुक का कैश और बैंक कॉलम दोनों भी हो गए। तो अब आ जाओ लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से मिलेगा कैपिटल, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से तुमको मिलना है कैपिटल। फोर्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड करंट ईयर बैलेंस शीट में कैपिटल के सामने एक दो इनर में, और अब निकालो ग्रॉस प्रॉफिट, कैपिटल आउटर सेल्स आउटर में लिख देगा, देख लो नेट सेल्स 294, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल है 3,13,000। ग्रॉस प्रॉफिट 51,000, ग्रॉस प्रॉफिट 51,000, तो उसको पी एंड एल पे ले लो नीचे 51,000। नेट प्रॉफिट 29,400, 29,400। एड नेट प्रॉफिट इन कैपिटल, तो कैपिटल का आउटर अमाउंट 67,400, 67,400। हो गया और बैलेंस शीट टोटल 77,800, 77,800।
क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सिमिलर है तो मैं तुमको ये होमवर्क देने वाला हूं, तो पहले देखेंगे क्या क्या इसमें। अभी जैसा हमने किया ना उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन दी वाली है, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, और नीचे जो डिटेल्स दिए हुए वो भी सेम जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन किया उसी के वैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ऑल वर्किंग शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो सबसे पहले 1/4/2020, पिछले क्वेश्चन में ईयर जनवरी से दिसंबर था, इस क्वेश्चन में अप्रैल से मार्च, 31 मार्च 2021। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का क्रेडिटर्स सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, इसके पहले क्वेश्चन में मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था, दोनों का मीनिंग सेम है। सन्ड्री एसेट्स देखो 11,610 और 12,040, ठीक है, डिफरेंस है मतलब इंक्रीज हुआ है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्या रहता है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक है 8,040 करंट ईयर के लिए, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, और 11,120 क्या है क्लोजिंग स्टॉक। कैश इन हैंड एंड एट बैंक, अच्छा कैश इन हैंड एंड एट बैंक दिया, तो अभी फिलहाल में तो ऐसा समझो कि कैश बुक में एक ही कॉलम बनाना है, लेकिन नीचे अभी डिटेल्स पढ़ के देखेंगे। तो 6,960 का कैश इन हैंड कैश एट बैंक है, और 8,080 का कैश इन हैंड कैश एट बैंक, दोनों मिला के है ये। ट्रेड डेटर क्वेश्चन मार्क है, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स, बच्चों यहाँ पे लास्ट पॉइंट लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही पॉइंट था वो, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर एंड डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, दोनों मिला के 64,000 है। पिछले क्वेश्चन में सेम ऐसे ही था। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। सेल्स कैश एंड क्रेडिट 71,810, तो कैश एंड क्रेडिट दोनों मिला के 71,810 है, बाइफर्केशन इसका होना। डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर, अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज रिटर्न क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। एडिशनल कैपिटल पेड इन टू द बैंक, एडिशनल कैपिटल पेड इन टू द बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर पेड इन टू द बैंक, एक मिनट, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर पेड इन टू द बैंक मतलब इसको लिंक करो आप, रियलाइजेशन मतलब पैसे रिकवर करें डेटर से। पेड इन टू द बैंक 60 to 500, तो 64,000 और 60 to 500 ये दोनों का डिफरेंस क्या है, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड 1500 का डिस्काउंट अलाउड। अच्छा पेड इन टू द बैंक मतलब वापस से, यहाँ पे जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन में 243 कुछ आया था कॉन्ट्रा एंट्री मारे थे, वैसे ही कर सकते हैं अपन। कैश परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश एक्सपेंसेस, हाँ बट ये कैश एक्सपेंसेस को मैं सन्ड्री एक्सपेंसेस से लिंक करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में दूसरा कोई एक्सपेंस नहीं है एक्सेप्ट ये, मतलब बैड डेट वगैरह छोड़ के मैं बोल रहा कैश एक्सपेंसेस की बात करेंगे ना, तो सन्ड्री एक्सपेंस को ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया, ऊपर सन्ड्री एक्सपेंस बोल रहा हूँ बैड और नीचे खाली एक्सपेंसेस बोल रहा, और दूसरा कोई खर्चा ही नहीं है, दूसरा कोई एक्सपेंस नहीं है, तो फिर ये एक्सपेंसेस जो है ना सन्ड्री एक्सपेंस को ही लिंक करेंगे अपन। इसको मतलब बोलने का मतलब सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश लेंगे हम, अकाउंट तो बनाएंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग है बोल के, और ये जो कैश एक्सपेंसेस बोल रहा है ना इसको उधर सन्ड्री एक्सपेंस में लिख देंगे। कैश एक्सपेंसेस जो है वो सन्ड्री कैश एक्सपेंसेस है 9,570, अदरवाइज फिर नीचे कहीं पे अगर संदेश में अगर कुछ बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो फिर अपन उसको लिंक करना ही पड़ेगा, तो इसके अलावा कोई खर्चा है भी नहीं। पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज 430, एक मिनट, यहाँ पे मशीनरी है क्या ऊपर दिया हुआ, नहीं है, तो ये संदेश असेट्स जो है ना तो इसके ब्रैकेट में इंक्लूडिंग मशीनरी लिख देंगे अपन। एक्चुअली देखो ये तुम ये मत समझो कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देते जिसमें स्टूडेंट सोचना कि वो मशीनरी तो ऊपर दिया ही नहीं, अचानक एडिशन कैसे बोल रहा। तो ये सन्ड्री एसेट्स का मतलब क्या होता है, पूरे एसेट्स को एक साथ जब बोलते हैं सन्ड्री एसेट्स, मशीनरी स्पेसिफिक हो गया,
और पूरे एसेट्स, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब एट ए टाइम में जब बोलूं ना, तो सन्ड्री एसेट्स बोल के टर्म यूज करते हैं अकाउंट्स के अंदर। तो ये सन्ड्री एसेट जो है ना, इसमें सब आ गया, मशीनरी भी आ गया, तो इसका मतलब 11610 है ना, प्लस 430 होने वाला है। ठीक है, आगे देखो कितना होता है, 430 ऐड करने के बाद उतना ही हो रहा ना। हाँ ठीक है, आगे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम बैंक, ड्रॉइंग टू बैंक, हाँ कैश पेड इनटू द बैंक, बैंक टू कैश, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट बैंक, कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 2021। एक मिनट, अभी कैश एंड बैंक नहीं बोल रहा हूं, कैश इन हैंड 31 मार्च 1200। इसका मतलब ये जो है ना 8080 रुपए, इसमें 1200 रुपए तुम्हारा कैश है और बाकी का बैंक है। देखो यहां पे क्या दिया, कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 21, मतलब बाइफर्गेशन अपने को करना है। देखो यहाँ पे ऐसे भी बोला ना, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर पेड इनटू द बैंक, यहाँ पे और नीचे क्या दिया, देखो फ्रॉम बैंक, मतलब बीच में वो बैंक और कैश ले रहा, बीच में बोल रहा, तो यहाँ पे कैश और बैंक कॉलम अलग अलग बनेगा। वैसे भी हिंट भी दिया ना, देखो कैश इन हैंड क्लोजिंग दिया ना 1200, तो 8080 रुपए दोनों मिला के है, तो 1200 रुपए कैश इन हैंड है, तो बाकी का क्या रहेगा, बैंक बैलेंस। चेक, इसका मतलब क्लोजिंग का बाइफरकेशन तो दे दिया उसने, 8080 का बाइफरकेशन दे दिया, इसका नहीं दिया। इसका मतलब तुमको जब कैश बुक क्लोज करेंगे ना, तो या तो कैश कॉलम या तो बैंक कॉलम में इसका एक एक अमाउंट मिलेगा तुमको, और बाकी का बचे वाला दूसरा अमाउंट रहेगा। मैं बोला ना एकदम सेम क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा, पॉइंट वैसे वैसे लग रहे, लेकिन इस क्वेश्चन में कैश इन एंड बैंक को मिक्स करके दिया और बोला बाइफरकेट करो तुम, अपने को कॉलम तो दो ही बनाने के कैश बुक में। और आखिरी में दिया चेक्स इशू टू ट्रेड क्रेडिटर, चेक्स इशू टू ट्रेड क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ये क्वेश्चन डालने वाला हूं, जितना आता है उतना सॉल्व करो, 85-90% तो आना चाहिए, आखिरी में एंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तुमको। तो 6960 का बाइफरकेशन चाहिए, तो कैसे निकालते देखो, 8080 का दे दिया, कैश बुक में दो कॉलम बनने वाले है, फॉर्मेट अभी जैसे बनाया वैसे सेम टू सेम है, डेटर्स क्रेडिटर्स मिसलेनियस एक्सपेंस का यहां पे क्या बनेगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसको सन्ड्री एक्सपेंसेस कंसीडर करो, कैश एक्सपेंसेस को हम सन्ड्री एक्सपेंसेस कंसीडर करेंगे, और बाकी क्वेश्चन पूरा ऑलमोस्ट सेम है, वैसे ही फॉर्मेट बनाना है, सेम टू सेम ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, सब चीजें सेम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है उन्होंने नंबर देके पहले ज्वाइन कर लो, तो ये क्वेश्चन तुमको करके आना है। ठीक है, कल करने वाले अपन, लेकिन फिर भी तुम एडवांस करो तो तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा।